सब हो जाओ एक। हेलो दोस्तों, और दोस्तों आज का ये वीडियो है, मैंने बनाया है ये जानवरों के ऊपर। जो जानवर हमारे घर के आसपास कूड़े खाते हैं और कूड़े करकट पे जीते हैं, ये देख के बड़ा ही दुख होता है दोस्तों कि वो आज के भी जमाने में, सन 2021 में कूड़े में जी रहे हैं। हमारे देश में कई योजनाएं चलती हैं, तरह तरह के सरकारी योजनाएं बनती हैं और चलती रहती हैं, लेकिन कभी भी इन जानवरों के ऊपर भी कभी ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया गया कि वो क्या खाना खा पाते हैं कि कूड़े पे जीते हैं। ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, एक नज़र आप जरूर से गौर कीजिएगा कि ये लोग कैसे जी रहे हैं। कोई इनकी सुन नहीं ले रहा, जरा सा भी नहीं ले रहा। ये हमारे आस में भूखे भूखे जरूर है, वो हमारी आस में है कि हम में से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो या हम सब मिलकर के इनके लिए भी कुछ ऐसी समुचित व्यवस्था कर सके। क्योंकि हमारे देश में गाय को लेकर के बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट होता है, मतलब कि गाय हत्या और ये क्या ऐसा नहीं लगता कि हम सब भी इस गौ हत्या के ही जिम्मेदार हैं जो कूड़े करकट पे खा के जी रहे हैं? क्या उनको भरपेट खाना मिल पाता होगा? एक बार तो मैंने देखा कि एक गाय के मुंह से खून निकल रहा था, सच में वो शीशे चबा रही थी। अब किसी ने अपने घर में कूड़ेदान में शीशे डाल दिए होंगे, या किसी की कोई बोतल टूटी हुई वो कूड़ेदान में डाल दी होंगी, उसके साथ खाना भी डाल दी होगी, कचरा एक साथ हम लोग सब फेंकते हैं, जो उसमें कूड़े में शीशे या कुछ भी कील या ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो उनको बहुत ही नुकसानदायक होती हैं उनके लिए, उनके पेट के लिए, उनके आहार के लिए। कभी कभी तो लोग पन्नियों में, थैलियों में खाने को बंद करके फेंक देते हैं, तो ये वो उनके पेट में चले जाते हैं, इससे उनकी गाय के और जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। पशु आहार वाहन, अगर ऐसी गाड़ी व्यवस्था की जाए जो जानवरों को सुबह सुबह खाना दे सके या शाम को खाना दे सके, या कभी भी जगह जगह पे नाद बनवा दिए जाए तो इन जानवरों को भी भरपेट खाना और साफ सुथरा खाना मिल सकता है जैसे हम खाते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है ये किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए, किसी एक जानवर को भी अगर इस वीडियो के द्वारा खाना मिल सके या साफ सुथरा खाना मिल सके तो मैं इसे बहुत ही बड़ा अपना आपका आशीर्वाद समझूंगा। धन्यवाद।